डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। मैं पांडे सर, आप इस चैनल में काफी सारे वीडियो देखे होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के ऑलरेडी, तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कुछ हद तक हुआ होगा। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल कर्व के अंदर इनवॉल्व की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कि ड्राफ्टर कैसे पकड़ते हैं, कैसे शीट सेट करते हैं, कैसे मार्जिन सेट करते हैं, कौन सी पेंसिल कहाँ यूज करते हैं, ये सारी बेसिक जानकारी आपके पास होंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे इनवॉल्व। देखिए, दीज आर दी स्पेशल कर्व। कर्व में दो पार्ट है, अपना एक कोनिक सेक्शन का, दूसरा स्पेशल कर्व का। स्पेशल कर्व में भी जो है, हमने जैसा कि बताया था, स्पेशल कर्व की शादी हुई और इसके भी तीन बच्चे हैं अपने सिलेबस में, साइक्लॉइड, इनवॉल्यूट एंड स्पाइरल। ठीक है, तो अब इनवॉल्यूट आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इनवॉल्यूट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इनवॉल्यूट इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई ए स्ट्रेट लाइन बाई इन, जैसे मैं आपको और एक सरल भाषा में समझाता हूँ, पहले इसको समझिएगा। ठीक है, एक जो है कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई कील ठोका हुआ है जिसमें गाय का रस्सी बंधा हुआ और गाय जो है यहाँ पे घास खा रही है। ठीक है, अब जब गाय घास खा रही है तो यहाँ घास खत्म होते क्या होगा, आगे बढ़ेगी, और आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये जो थ्रेड्स है दैट विल बी वाउंडेड ऑन दिस कील, ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो अब जो इसके ऊपर आउंड होगा तो इसके जो गाय माता के जो पद चिन्ह बनेंगे, एक समय होगा जब गाय घूम करके यहाँ पे आ जाएगी। क्यों? कि इसके ऊपर जो ये रस्सी है सारे सारे इसके ऊपर लपेटा जाएंगे या आउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस कर्व को डिफाइन कर सकते हैं कि इनवॉल्यूट इज बेसिकली ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई ए, जैसे सर्कल की हम बात करते हैं तो क्या होगा, द इनवॉल्यूट ऑफ ए सर्कल इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई एन एंड ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड अनवाउंड और अनवाउंड फ्रॉम ए सर्कल। द थ्रेड मस्ट बी इन टाइट पोजिशन, ये जो थ्रेड होगा दैट विल बी इन टाइट पोजिशन। तो अब क्या हो सकता है कि ये तो हम सर्कल के लिए डिफाइन किए। ठीक है, इसी तरह से हम ट्रेंगल का भी जो है आज इनवॉल्यूट डिफाइन करेंगे। इसके ऊपर किसी पॉइंट से जो है, मान लीजिए कि इसके ऊपर रस्सी ऑलरेडी यहाँ बंधा हुआ है, तो दैट आई एम गोइंग टू ओपन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है ना, अब यहाँ से ओपन करेंगे तो ऐसे ही ओपन होगा कुछ, तो जो ओपन होगा, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कर्व ट्रेस्ड आउट बाई एन एंड ऑफ ए स्ट्रेट थ्रेड, ठीक है ना, अनवाउंड फ्रॉम द पॉलीगन कीपिंग द रोप इन टाइट पोजिशन। दैट कर्व ट्रेस्ड आउट बाई दिस पॉइंट इज बेसिकली एट इनवॉल्यूट। ठीक है, अब आइए दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनवॉल्यूट ड्रॉ करते कैसे हैं। तो इनवॉल्यूट जो है आपका सर्किल का भी हो सकता है, ठीक ना, एक एक करके हम अभी बात करेंगे। इनवॉल्यूट मे बी फॉर दी, इनवॉल्यूट जो है, इनवॉल्यूट मे बी फॉर सर्कल हो सकता है, सेमी सर्किल का भी हो सकता है, जो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सर्किल की ही बात करेंगे। दूसरा होगा आपका ट्रायंगल का हो सकता है, पॉलीगन, पॉलीगन मतलब ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, पेंटागन हो गया, किसी का भी हो सकता है, और सबका कॉन्सेप्ट लेस और मोर एक ही है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सर्किल का, सर्किल के बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल के इनवॉल्यूट का, और उसके बाद स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि सर्किल है, सर्किल के ऊपर एक धागा लपेटा हुआ है, दैट यू हैव टू अनवाउंड, मतलब उसको खोलना है, ठीक ना, कीपिंग द रोप ऑलवेज टाइट। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक ना, देखिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्कल हो गया। अब पूछेगा सर सर्किल का कोई डायमीटर होगा, तो ये सर्किल का डायमीटर जो है, क्वेश्चन ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिख देते हैं, ड्रॉ, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आएगा, ड्रॉ एन इनवॉल्यूट ऑफ सर्कल
ऑफ डायमीटर डायमीटर 40 mm। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं सर, ये तो अभी तो सर्किल तो हमने ड्रॉ किया ही है और डाउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो भी डायमीटर दिया है उस डायमीटर का क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस सर्कल को जैसा कि हम बताते आए हैं कि मान लीजिए, मानना नहीं है, ये तो आप ड्रॉ किए होंगे, तो ये सेंटर हो गया आपका सर्कल का। सर्किल को हम शुरू से ही 12 पार्ट्स में बांटते आए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 12 पार्ट्स में कैसे बांटते हैं, ये 4 पार्ट्स में तो बांट सकते हैं ना, इसमें तो दूर दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सर्किल को 12 पार्ट्स में बांटने के लिए आपको एक तरीका बताया था कि जो भी आपका वो है रेडियस है उसको कंपास पे ले लीजिए और यहाँ पे रख करके इधर आर कट कर दीजिए और इधर भी कट कर दीजिए, फिर इधर रख करके इधर और यहाँ रख करके ऐसे कट कर दीजिए। जब इसको कट कर देंगे ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए पॉइंट से मिल गए, इन सारे पॉइंट्स को सेंटर से होते हुए आप मिला देंगे। देखिए ये हो गया पॉइंट्स, ये हो गया पॉइंट्स, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पूरे 12 के 12 बच्चे हैं इनका नामकरण कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2.3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये पूरे 12 बच्चे हो गए किसके, सर्कल के, अर्थात आपने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इनवॉल्यूट पे आ जाए, तो इनवॉल्यूट क्या है, कर्व ट्रेस्ड आउट बाय एन एंड ऑफ ए थ्रेड अनवाउंड फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, अब इसके ऊपर से कोई सर्कल के ऊपर जो है कोई रस्सी बंधा हुआ है, अब ये सर्किल जब बंधा हुआ है इसके ऊपर जो है ये थ्रेड से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कि अभी एक सर्किल है, इसको जब आप ओपन करेंगे इसका लेंथ कितना जाएगा, इसके ऊपर ये है, अब इसको ओपन करेंगे तो कितना लेंथ होगा, इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होगा और सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका, 2πr। तो यहां से आप इसका 2πr जब निकालेंगे कितना, 2πr सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस 2πr देन इसकी 2π, पाई का वैल्यू रख दीजिएगा कितना, यहां रखेंगे 3.14। ऐसे भी कुछ महान बच्चे हैं, क्योंकि ये हम लेंथ निकाल रहे हैं तो पाई का 3.14 रेडियन में रखना होगा, कुछ बच्चे 180 डिग्री यहां भी रख लेते हैं तो इससे बचिएगा। और ये 20 mm, ठीक है, तो ये लगभग आपका 18-19 जो है 190 mm के आसपास आएगा, दैट इज कि 19 cm। ठीक है, अब जैसे ही 19 सेंटीमीटर आ गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि यदि इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और हमने अभी बताया भी कि उस स्ट्रेट लाइन को क्या रखना है, अपने को हमेशा टाइट रखना है। इसको जब हम टाइट रखेंगे तो यहाँ से 2πr का जो है एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये 2πr लेंथ का एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये 2πr कौन सा 2πr है, यही 2πr है जो इसके ऊपर अभी आपने आउट किया था और इसी को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, 2πr हो गया। ठीक है ना, इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए ये क्या है आपका पी, ये 1 या P1 ही मान लेते हैं। चलिए अब इसके ऊपर जो है ये लपेटा हुआ था, तो ये यदि 12 पार्ट्स में है, ये भी तो टोटल का टोटल 2πr है, ये यदि 12 पार्ट्स में है तो ये भी क्या होगा, 12 पार्ट्स में होगा, बोलिएगा बिल्कुल होगा सर, तो होगा। तो अब इसको हम 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, बचपन में जाइए, बचपन मतलब स्केल, ठीक ना, आपने स्केल पढ़ा है, ठीक ना, और स्केल में बताए भी हैं कि इसको कैसे 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी अपने मन से एक लेंथ का लाइन ले लेते हैं और कंपास पे कोई भी एक इंडिपेंडेंट लेंथ ले करके, एक इंडिपेंडेंट लेंथ ले करके 12 पार्ट्स में इसको, इक्वल 12 पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या था अपना कि ड्राफ्टर यदि है तो वेरी गुड, नहीं ड्राफ्टर है तब आपको दिक्कत आएगी, और दिक्कत जैसी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए ड्राफ्टर चलाना जरूर सीखिएगा, नहीं तो आप रोलर स्केल से कर सकते हैं। लास्ट वाले को लास्ट पॉइंट से रखिए और इसको मिला दीजिए, लास्ट वाले को
लास्ट से मिला दिए। अब ठीक इसके पैरेलल रख करके इस पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे, इससे आप ड्रॉ करेंगे, देखिए तो ये एक पॉइंट, उसी तरह से सभी से हम कर लेंगे। सभी इक्वल डिस्टेंस में आएंगे, ठीक है। अब इस जहां जैसे ठीक उसी तरह से जैसे यहां नामकरण किया है उसी तरह से यहां भी कर देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कम हो गया, सॉरी ये 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 1 लास्ट पे जाएगा। क्यों जाएगा सर? क्योंकि 12 पार्ट्स में ये 1 से शुरू हुआ है, 0 से नहीं शुरू हुआ है, तो ये 12 और यहां से ये 1, ये 1 और ये 12। अब आप देख लीजिए 12 पार्ट्स हो गया होगा, ये 1 से चल करके आप 1 पे क्या हुआ पहुंच गए। अब यहां पे पहुंच गए थे, इस पॉइंट का कुछ यदि नाम देना है तो आप दे दीजिए पॉइंट पी, ठीक है। ये सबसे पहला काम करना है आपको, ये सर्किल ड्रॉ किए, ठीक है, और ये 2 पाई आर डिस्टेंस लेकर के इसको 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए वीडियो, उसके बाद खुद से बनाइए, फिर जहां डाउट होता है वीडियो पॉज करके वहां रोक करके एक बार देखिए समझिए। अब आइए हम देखें यहाँ पे कि इतना करने के बाद, ठीक ना, इधर जितने भी पार्ट से आपने डिवाइड किया है, समझिएगा अच्छे से, जितने भी पार्ट से आपने डिवाइड किया है, जैसे ये 2 है 3 है 4, सभी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक ना। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, ये जो आपका सेंटर है, ये सेंटर मान लीजिए क्या है, सी है, सी से 2 से लाइन से यहां से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहां से ठीक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्त। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है, उसी तरह से यहां 3 से, दैट मींस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर करेंगे तो सीधा जाएगा, उसी तरह से यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां 7 से, फिर 8 से, 9 से, 10 से, 11 से और 12 से, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, दैट मींस कि ये हो गया आपका टेंजेंट, ये सभी टेंजेंट हैं, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है। यदि ड्राफ्टर है तो दी बेस्ट है, इसके परपेंडिकुलर सेट करके आपने ड्राफ्टर रखा, एक स्केल यहाँ आएगा दूसरा स्केल यहाँ आ जाएगा, सेट करके उसको आप ड्रॉ कर दीजिए। यदि आप रोलर स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री वाले पे रख करके जैसे ही ये लाइन 90 डिग्री पे मैच किया आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सर्कल ड्रॉ करना और इसको 12 पार्ट से डिवाइड करना, सेकेंड स्टेप था हमारा ये 2 पाई आर लाइन ड्रॉ करना और इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना, थर्ड स्टेप में हमारा क्या, ये टेंजेंट ड्रॉ करना जो आपने अभी कर दिया। अब फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, यही चार पे करना है विचार, इस चार पे कर लिया आपने विचार तो बन गए आपके इन्वॉल्यूट। अब देखिए इस पे अब हम बनाएंगे कैसे इन्वॉल्यूट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये पी पॉइंट है आपका, इस पी पॉइंट को पकड़ लीजिए, अब ये 1 से पी है रहने दीजिए, अब 2 से ऊपर जाना है तो यहाँ 2 से ये P का डिस्टेंस लीजिए, इस 2 से P का डिस्टेंस आप लेंगे कहाँ पे, कंपास पे लेंगे, आपको रस्सी की जरूरत नहीं है, ये तो हमने एक समझाने के लिए जो है यहाँ 2 से P लिए और इस 2 पे रख करके कट कर देंगे, देखिए इधर जा रहा है ये, यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि नहीं, इसका नामकरण कर लीजिए P2, ठीक है। उसी तरह से ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, उसी तरह से अब 3 से, ठीक है ना, ये अपने जगह पे है, ये 3 से हम लिए और 3 पे रख करके इधर कट कर लिए, फिर ये 4 पे, देखिए 4 पे रखे और ये 4 पे रख करके कट कर लिए, फिर ये 5 पे, 5 पे रख करके कट कर लिए, फिर 6 पे रखे और ये 6 से कट कर लिए, उसी तरह से ये 7, 7 पे रखे और ये 7 पे कट कर लिए, फिर 8,
एट पे रखे और ये एट पे रख करके कट कर लिए, उसी तरह से ये नाइन पे रखे और ये नाइन पे रख करके कट कर लिए, फिर टेन पे, फिर उसी तरह से ये इलेवन पे रखेंगे, फिर ट्वेल्व पे और फिर वन पे आएंगे तो जीरो डिस्टेंस, ये आ जाएगा कि नहीं। अब ये सब जो मिल गया, ये सभी जब मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना, ये सभी जब मिल जाएंगे तब क्या करना है आपको कि इस सभी पॉइंट्स को प्यार से मिला देना। ये P1 था, ये P2 हो गया, ये P3, ठीक है, ये आपका P4, ये पॉइंट इधर P5, P6, ये P7, ये P8, P9, P10, P11, P12 और P1, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट्स को प्यार से मिलाना है, मिलाने के लिए आप पेंसिल से ही मिलाएंगे, लेकिन प्यार से मिलाने से क्या है कि कर्व थोड़ा सा स्मूथ आ जाएगा। तो ये P1 से लेकर के ये P2, P3, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तो ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया P6, ठीक है, P7, ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वॉल्यूट, ठीक है। तो इसको आप फ्री हैंड मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा कैसे मिलाएंगे, फ्री हैंड मिलाएंगे और किससे मिलाएंगे, थोड़ा सा डार्क से, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि हमने जनरली दो पेंसिल हमने यूज किया है हमने भी, तो जो हमारा रेड कलर है दैट यू हैव टू मेक डार्क एंड अनदर कलर विल बी वेरी लाइट, ठीक है ना, और लाइट यू कैन से, हमेशा दो यूज कीजिए, तीन चार में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये था हमारा सर्कल का इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए इसी में, ठीक है ना, इसी में हम जो है आपको बता रहे टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे बनाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm एंड ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल और शो द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट 90 mm फ्रॉम द सेंटर, ऐसा भी दे सकता है, या 50 mm फ्रॉम द सेंटर। तो अब 50 mm कैसे हम ड्रॉ करेंगे या 90 mm कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो भी 90 mm 50 mm जो भी दिया है, यू हैव टू टेक योर कंपास, कंपास में ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए बचपन वाले कि सिर्फ इससे सर्कल ही बनता है, इससे बहुत कुछ बनता है और हम लोग बनाएंगे भी, ये ना बहुत काम का चीज है कंपास। तो ये आप 90 mm लेंगे और ये सेंटर पे रख करके जहां भी कट करेगा दोस्त, इसको ये मान लीजिए कि कट किया कहां पे, यहां कट किया, इससे लेकर के कट कर दिया, मान लीजिए यहां कट किया, ठीक है। अब जब कट कर दिया यहां पे, तो इसको यहां से मिला देंगे, जहां भी ये कट करेगा इस पॉइंट पे ही आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट सेंटर से इसको मिला देंगे, ध्यान रखिए मिला दिए, ठीक ना, मिलाने के बाद, ठीक ना, इस जो लाइन को आपने मिलाया है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, मान लीजिए ये मिड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट। अब जैसे ही आपने मिड पॉइंट मार्क कर लिया, तो मिड पॉइंट मार्क करने के बाद इसको सेंटर लेते हुए यहां से एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं। और ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जब सेमी सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जिस समय आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे होंगे, ठीक है ना, यही सेमी सर्कल है आपका, ठीक है ना। अब देखिए यही सेमी सर्किल, ये सर्किल को कहीं ना कहीं कट कर रहा है कि नहीं, जो आपका मेन सर्कल है जिसका आपने इन्वॉल्यूट ड्रॉ किया है, तो आपका जहां भी ये सर्कल कट किया है उस पॉइंट को और जो गिवन पॉइंट जिस पे था, जिस पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना था, उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, क्या हो जाएगा नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट, ये लाइन क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट। तो अब ध्यान दीजिए ये नॉर्मल और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर, और टेंजेंट कभी भी इस कर्व के अंदर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा सर्किल का इन्वॉल्यूट और इसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम लास्ट एक मिनट में इसको समराइज करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है जस्ट इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन एंड हेक्सागन ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक ना।
तो सही, चलिए एक बार हम फिर जो है आपको समझा दें कि हम आज देख रहे थे इन्वोल्यूट, और इन्वोल्यूट में जो है क्या बताए थे आपको कि सर्किल का इन्वोल्यूट हमें चाहिए था। तो जो है हमने एक तो गाय का कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय घास खाती है, तो उसके तो जो गऊ माता के जो पदचिन्ह बनते हैं उसको इन्वोल्यूट बोलते हैं। बट यहाँ पे आइए, आप समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस इज ए थ्रेड, इट इज बीन बाउंडेड ऑन दिस सर्कल, ठीक है। तो जो है इट इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाई एन इंड ऑफ थ्रेड, जो भी थ्रेड है उसका एक इंड पॉइंट, ठीक है, इंड ऑफ ए थ्रेड अनवाउंडिंग फ्रॉम दी सर्कल, कीपिंग दी थ्रेड टाइट, कीपिंग दी थ्रेड टाइट। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो जो भी सर्कल दिया है, ड्रॉ एन इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल ऑफ 40 mm डायमीटर, तो 40 mm डायमीटर का एक सर्कल पहले बना लिए, फर्स्ट स्टेप सर्कल बना लिए। सेकेंड फर्स्ट स्टेप में सर्कल बनाने के बाद 12 पार्ट में उसको बांट लीजिए, ये भी हम बता चुके हैं कैसे बांटते हैं। फिर जो है सेकेंड स्टेप में 2πr, ठीक ना, का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 12 बच्चे हैं, यहाँ भी 12 बच्चे दिखने चाहिए थे, ठीक ना। सो आपने इसको भी 12 पार्ट्स में बांट लिया। बोलिएगा कि सर यहाँ तो आपने टेक्निक बता दिया था, या 30-30 डिग्री ले लिए तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 12 पार्ट्स में बट गया। यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, स्केल वाला मेथड लगाएंगे, ठीक ना, स्केल मेथड लगाएंगे। तो ये आपका 2πr जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस आप शो कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे आप कहीं भी लिख भी दीजिए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 mm लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शीट में जो भी आप ड्रॉ करते हैं सारे डायमेंशन क्या होते हैं, mm में ही होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको 12 रेडियस लिख दिया, इसको 2πr आपने ले लिया, इसको 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा कि जो भी इधर आप 12 पार्ट्स में किए हैं, जो भी ये लाइन आपको दिख रहे हैं, इससे इस पॉइंट से 2 से 3 से 4 से 5 से सभी पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है क्या, टेंजेंट लाइन, दैट मींस परपेंडिकुलर लाइन, इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर। अब बोलिएगा सर कितने लेंथ का, अभी फिलहाल आप अपने मन से खींच लीजिए, एक दो डायग्राम बनाएंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा, ठीक है, कितना खींचना है। 2πr से कम ही खींचना है और छोटा ही होते जाएगा, लेकिन अपने को सीखना है। तो यहां से आप खींच दिए। उसके बाद जो सबसे चौथा जो स्टेप है, फोर्थ जो स्टेप है, दैट इज द फाइनल स्टेज एंड इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, ये 1 से 1 तक में तो है, इसका नाम हम पी ले लिए थे तो P1 हो गया था। अब यहां 2 से P आप क्या करेंगे, कंपास पे लेंगे, कंपास पे 2 से P लिए और इस 2 पे रख करके कट कर दिए तो P2 मिल गया। फिर 3 से रख करके यहाँ पे मेजर किए, देखिए यहाँ पे 3 से P1, फिर 3 से P, 3 ये कंपास हटाए और 3 पे रख करके P3 मिल गया। फिर 4 से P लिए और 4 पे रख करके कट कर दिए तो P4 मिल गया। 5 से P लिए और 5 पे P5 मिल गया। ये जो है आपका यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये पॉइंट। उसी तरह से 6 से 7 से रिपीट कर सकते हैं पूरा 12 तक, और जितने पॉइंट मिलेंगे P1 P2 P3, P मतलब पांडे सर, तो ये सारे जो है पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, प्यार से, पी इसीलिए लिखे हैं कि आपको प्यार से, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और ये प्यार से एक हद तक बढ़ जाना है, तो धीरे धीरे ये क्या मिल जाएगा आपको, इन्वोल्यूट, ठीक है। लास्ट इस इन्वोल्यूट में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी समझ लीजिए कि हाउ यू ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जिस पॉइंट पे भी दिया है, या क्वेश्चन में कई बार देता है कि 90 mm फ्रॉम दी सेंटर, तो इस पॉइंट से 90 mm पे कंपास लेकर के कहीं कट कर लीजिए, तो कहीं कोई पॉइंट मिलेगा, जो भी पॉइंट मिले उसी पे आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल खींचना है। इसको सेंटर से मिला दीजिए, सेंटर से हो गई इसकी दोस्ती, तो ये आपको लाइन मिल गया। इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए और इसको डायमीटर मानते हुए, ठीक है, इस सेंटर से एक सेमी सर्किल बना लीजिए, ठीक ना, जो आप देख रहे होंगे कि ये सेमी सर्किल हमने बना लिया, ठीक ना। ये जब सेमी सर्किल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सर्कल को क्या करेगा, जो मेन सर्कल है जिसका हमने इन्वोल्यूट ड्रॉ किया है, वो उसको कट करेगा,
जहां कट करेगा उस पॉइंट को पकड़ लीजिए, उस पॉइंट को पकड़े और इसको एक गिवन पॉइंट से मिला करके पूरा बाहर निकाल दीजिए। हनुमान जी के पूछ की तरफ बाहर निकल गया, ठीक है। हनुमान जी का पूजा करना चाहिए, ठीक है ना। और पूछ की दौर करें तभी आपकी पूछ बढ़ेगी समाज में, ठीक है ना। ये पूछ है, ठीक है, तभी आपको कोई पूछेगा। कहीं आप गए जो है अतिथि बन करके और कोई आपको पूछता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा पूछ परख होती है ना, यही है पूछ। ये पूछ निकाल लिए, हो गया नॉर्मल, ठीक है। और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दिए, देखिए आपका ड्रॉ किए हैं, दैट विल बी योर टेंजेंट। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया और ये पूरा का पूरा कहानी राम कहानी जो है क्या हो गया आपका इन्वॉल्व्ड ऑफ दी सर्कल। तो आज और अभी हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसका, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, पेंटागन का और हेक्सागन का इन्वॉल्व्ड निकालना बताएंगे। और एक ही वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि सारा का सारा हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। और इन वीडियोज को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर कर भला तो हो भला, दूसरे का भी भला कीजिए और खुद भी मस्त रहिए।